This conference will now be recorded. नमस्कार दोस्तों, एफ आई डाटा आ गई है। अभी मैं एक सेकंड वीडियो बना रहा हूँ मैंने आज के लिए। अभी ऐसा करने का सोच रहा मैं आने वाले दिन में लेंगे। डिस्क्लेमर देख लीजिए कि जो भी वीडियो में व्यूज है ये मेरा खुद का व्यूज है। आप जो भी नुकसान करते हैं व्यूज पे देखिए, मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ। आपका फाइनेंशियल बेस से बात करके ट्रेड ले लीजिए। ये पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट में FIS का देख लीजिए। FIS का थोड़ा आज बढ़ा दिया, 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का बढ़ा दिया। और क्लाइंट्स क्या के लॉन्ग बढ़ाए, मतलब लॉन्ग्स ऐड किया। अभी 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है FIS का लॉन्ग पोजीशन। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 5,000 कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग पुट भी बढ़ाया एक्चुअली, मतलब इसको हेज करके लेके आया शायद। ओके, और लॉन्ग कॉल भी बढ़ाया एक्चुअली। शायद अभी नीचे गिराने का तो लोग ऊपर जाके ही नीचे आएंगे। ओके, वो याद रख लीजिए। अभी कल तो पॉजिटिव है, मैक्सिमम गिरता तो भी 130 140 पॉइंट के ऊपर नहीं गिरने का कल आज का क्लोजिंग से। ये मेरा व्यू पॉजिटिव, मतलब ठीक है वो, ये इसकी इसके हिसाब से देखा तो आप 90% एक्यूरेसी में आता है ये एस्ट्रो भी। ठीक है, वो देख लेते हैं। और 10% का जो है वो थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है रेयरली, और कुछ भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, और क्लाइंट्स का भी देख लीजिए थोड़ा, उन लोग भी ऐसा कमती नहीं हो रहे हैं। अभी क्या 34,000 कॉन्ट्रैक्ट है शॉर्ट में, अभी आज 5,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट बढ़ा दिए। मतलब कब, जब इन लोग ने जो शॉर्ट्स कमती करके लॉन्ग में जाते हैं उस टाइम ही मार्केट गिरने का संभावना बोल रहा था मैंने। सो आप भी देख सकते हैं अभी बढ़ाया, अभी वापस मार्केट ऊपर जाने वाला है। मैं जैसा आज सुबह भी बोल रहा टेलीग्राम में कि शायद इस तरफ से चल रहा था, क्लाइंट्स ने शॉर्ट बढ़ाया तो वो मार्केट कल का जो हाई था वो भी पार करके 14,000 तक जा सकते हैं, जाके उसके बाद ही शायद मार्केट गिरेगा, थोड़ा अच्छा सा करेक्शन आ सकता है, शायद वही होने का संभावना लग रहा है अभी। क्योंकि ये कभी भी नीचे जाते तुरंत पुट बढ़ा दे, मीन्स शॉर्ट बढ़ा देते हैं और मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाता है। और प्रॉपर ट्रेडर्स देख लीजिए, ये प्रॉपर ट्रेडर्स भी क्या किया आज, थोड़ा लॉन्ग्स को कमती किया। 17,000 लॉन्ग्स था कल, आज थोड़ा कमती करके 10,000 का लेके आया आज। और DA का तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उन लोग का स्टैंडर्ड रखते हैं। उन लोग 2,000-3,000 कॉन्ट्रैक्ट ऊपर नीचे करते रहते हैं और उनका कैश होल्डिंग का जो हेजिंग रख लेते हैं। और कैश का भी देख लेते हैं, कैश का थोड़ा मैंने अपडेट किया, अपडेट नहीं है, इसका अपडेट नहीं हुआ था। एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या हुआ था आज कैश मार्केट में। वो अपडेट करने के लिए कितने देर लेते हैं अभी टाइम, ठीक है अपडेट करने देते हैं। उसके पहले एक ये चार्ट देख लेते हैं, हो रहा है ना। ओके, अभी हमको सब वेबसाइट में जाके चेक करने की जरूरत नहीं, हमको बस एक बार रेफ्रेश कर लिया आ जाते सब। अभी वापस ऐड कर लिया, अभी 300 करोड़ का जो कल सेल किया, अभी आज 1,150 कॉन्ट्रैक्ट का करोड़ का खरीदारी कर लिया, वापस चालू हो गया उसका खरीदारी भी कैश का। सो मतलब वो छोड़ने वाला नहीं है, ऊपर वापस लेके जाने वाले मार्केट को। और कल थोड़ा अच्छा सा भी पॉजिटिव हो सकता है शायद, क्योंकि हमको फ्राइडे थर्सडे के लिए मार्केट गिरना है, थोड़ा नेगेटिव आने का तो शायद कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है कल ऊपर के लिए, तो संभाल के देख लीजिए। और दूसरा भी था पावर ऑफ टू में, हमारा जो है ये 200 मिगिन लिए है, ये अभी कल शायद उसको क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस किया तो अच्छा सा पॉजिटिव आ सकते हैं मोमेंटम। ये थोड़ा केयरफुल रहने का, क्योंकि ये बहुत पावरफुल इंडिकेटर है हमारा, 200 मिगिन को क्रॉस करके जाता है उस टाइम। और सेम निफ्टी में भी देख लीजिए, अभी थोड़ा थोड़ा बचा है बस खाली, ये कभी भी बस इवन वो 10 मिनट में ऐसा टिक गया था ये रेट के ऊपर, वापस हमको वापस पावर ऑफ टू में बाइंग आ सकता है। सो आपको बाइंग सेल में रहने का निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जब पावर ऑफ टू में बाइंग आ जाता तो। और ये भी देख लेते हैं हमारा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है उसमें क्या बोलते हैं उनके ये क्या है, अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं फर्स्ट। बैंक निफ्टी में देखो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो था इधर उधर टक चर्चेस कर दिया अभी। ठीक है, अभी अच्छा सा मोमेंटम, शायद ज्यादा से ज्यादा तो 150 पॉइंट उतना ज्यादा गिर सकते हैं मैक्सिमम से नीचे, क्योंकि इधर नीचे ड्राई आउट हो गया, इधर कोई सेलर्स नहीं है। सो वापस इधर जाने का संभावना ज्यादा है, 30,500 तक जाने का संभावना है कल के लिए। थोड़ा डिप आया तो शायद आपको बाइंग के लिए ढूंढना मांगता है, वही लग रहा है अभी पोजिशन। और निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी लोग ऊपर जब मार्केट जाता है उस टाइम ही
हमको ये ना क्लाइंट्स वाले ने शॉर्ट पोजीशन को कमती करेंगे थोड़ा अच्छा सा, क्योंकि थोड़ा तो रख लेते हैं शॉर्ट्स को कि ऊपर नीचे जाता है ज्यादा 50 100 पॉइंट, लेकिन 300 400 पॉइंट से ऊपर निकल जाता है देन क्लाइंट्स का मजल पावर टूट जाता है, उसके बाद उन लोग क्लाइंट्स ने उसका शॉर्ट्स खत्म कर लेते हैं। अभी ज्यादा संभावना है कि ये वापस कल का जो हाई है वो वापस जाने का संभावना ज्यादा रख रहा है, उसके लिए ज्यादा प्लान करके आपको शॉर्ट रखने, शॉर्ट कुछ भी नहीं रखने का। अभी वापस देख लेते हैं, जैसे मदर कैंडल जो बोला मैंने उसके नीचे लो, कल का लो हाई वो इम्पोर्टेंट है, उसके बीच में घूम सकता है 2 3 दिन, वही होने का संभावना है अभी और 2 3 दिन के लिए। और निफ्टी भी देख लीजिए, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है 13,000 आता है, शायद ये 13,000 टेस्ट करने का ज्यादा संभावना है अगले हफ्ते में शायद, क्योंकि क्लाइंट्स का तो शॉर्ट से लॉन्ग बनना मांगता है ना, उसके बाद ही आएगा, क्योंकि नीचे जाते तुरंत तो उन लोग शॉर्ट बनाना शुरू कर देते इस क्लाइंट्स वाले ने। और ये फ्राइडे का देखा हमने, और ये है कि नशी का थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लीजिए, जब हमको ये एडिक्स भी सेलिंग आ गया तो न्यूट्रल में आ गया और ये नीचे आ रहा है, थोड़ा भी नीचे आ जाता है ना वो क्लोज कर देते, वापस थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन बाई नहीं आएगा हमको, ओके थोड़ा खतरनाक है ये, आ सकता है हमको बाइंग सेलिंग सिग्नल आ सकता है, तो ध्यान से देख लीजिए, लेकिन पोजिशन लिए इंट्राडे के लिए यूज मत करना इसको, ठीक है। और दूसरा भी देखने का आपको ये लक्ष्मण रेखा भी देखने का, लक्ष्मण रेखा में क्या हमको ये बेयर सिग्नल अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, 30,171 है 30,171, उसके ऊपर जब जाता है उस टाइम ही हमको बुलिश होगा, लेकिन इसमें उल्टा उल्टा आ रहा है सिग्नल, देखो आप इधर ऊपर जा रहा है, मतलब रेंज बाउंड है, मतलब एक में बुलिश है दूसरे में बेयरिश है, मतलब ये 13,400 500 के बीच में घूम सकता है अभी, क्योंकि वो क्लियर सिग्नल नहीं आ रहा अभी हमको, वही होने वाला है अभी, क्योंकि एफआई डाटा वेरी क्लियर है कि उन लोग लॉन्ग जा रहे हैं, क्लाइंट्स को प्रॉफिट बढ़ना नहीं देंगे उन लोग। और ओपन इंटरेस्ट भी देख लिया हमने, ओपन इंटरेस्ट में पीसीआर तो नेगेटिव है, एक के नीचे है, और आप जैसे हम एक्सेल में दिखाया आपको जो भी हम ओपनिंग रेंज है उसका जो स्ट्राइक प्राइस देखिए ऊपर 4 और नीचे 4, उसका ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसका पीसीआर बना के वो भी लेना पड़ेगा आपको इंट्राडे के लिए। और 30,500 कॉल है, अच्छा सर बिल्टअप हुआ, शायद 30,500 मैक्सिमम जा सकते हैं वर्स्ट केस में, नहीं 30,000 में और बंद कर सकते हैं, अभी रेंज बाउंड होने वाला है, अभी 20,000 तो ब्रेक नहीं होगा, 20,000 फुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, सो 20,000 में बिल्टअप हो गया, अभी आज 350 तक गए 20,000 फुट, तो जाके 70 80 में बंद हो गया। और पीसीआर देख लिया हमने, और वो सी भी देख लेते हैं, ओपन ऑप्शन चेन इंडिकेटर जो है 34 में आया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का 9 में बंद हुआ था। और रेंज भी देख लीजिए, रेंज मिड पॉइंट जो है उसका क्रॉस नहीं हुआ अब तक, आज रेंज 13,470 है कल का, आज 13,360 है, इसके ऊपर जब जाना शुरू हो जाता है आपको बुलिश होना मांगता है ये मिड पॉइंट की एंगल से। और बैंक निफ्टी भी थोड़ा 23,380 है, थोड़ा और टाइम लगता है ऊपर क्रॉस करके जाने के लिए, लेकिन 23,380 25,000 ऊपर नीचे पेन भी उधर ही है, सो ऊपर नीचे थोड़ा घूम सकते हैं उधर ही शायद वो ब्रेकआउट देने के पहले, ठीक है। और ज्यादा कुछ खास नहीं है, कंक्लूशन में वो भी दिखा लेता हूँ आपको अभी थोड़ा इम्प्रूव हो गया था एक दो इंडिकेशन, बट लेकिन ज्यादातर जो बेरिश में लग रहा है अभी, अभी अरुण भी इंडिकेटर जो है पूरा बेरिश दिखा रहा है एक्चुअली, आप अरुण भी देख लीजिए, अरुण इंडिकेटर अभी जो नया लोग है उसको भी थोड़ा दिखा देता हूँ मैंने, ये अरुण इंडिकेटर बोल के जो है ये बहुत वेरी पावरफुल है पोजिशन के लिए, इंट्राडे के लिए यूज मत करना, एक ग्रीन मतलब बुलिश है, पूरा बुलिश है, 96% मतलब 96 नंबर आता है, 96 मतलब पूरा बुलिश है, ये बीयर 0 0 में है मतलब पूरा बेरिश है, इतना सारा गिरने के बाद भी ये पूरा बेरिश 0 में बैठा है, मतलब वो पूरा उठाए नहीं है, क्रॉस करना मांगते हैं ये रेड जो है ग्रीन क्रॉस करते हैं, ग्रीन नीचे आना मांगते हैं, उस टाइम आपको अच्छा गिरावट आने का संभावना है। आप देख लीजिए पहले भी जो था, अभी जो मार्च में हमारा गिरावट आई थी उस टाइम कैसा आ रहा था, मार्च में जो गिरावट आई थी हमको पहले ही इंडिकेशन आ जाता है, इधर देखो 25 का सेटिंग रख लेना इसको, अभी जो गिरावट आई हमको पहले ही आ गया था, इधर इधर 31 जनवरी में आ गया था, उसके बाद कभी भी हमको एक नुकसान नहीं आया, जो बाद में वापस जो बाइसिकल आया था हमको 27 अप्रैल में आया था, उस टाइम जो कितना था 9,000 था हमारा, जो 9,300 था, सो अरुण सिग्नल का जो है वो इग्नोर मत करना अभी, थोड़ा अच्छा बुलिशनेस है इसको संभाल के देख लेना,
हमको स्विंग लो, एटलीस्ट स्विंग लो तो चाहिए। स्विंग लो के लगभग 600 के नीचे जाना मांगता है, नहीं तो इधर ये स्विंग लो देखा तो 12,800, 12,800 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होना मांगता है अगले आने वाले दिन के लिए। और बैंक निफ्टी देख ले, बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिशस कमती हो गया लेकिन बेरिशस तो ऊपर नहीं आया, मतलब ऊपर आना मांगता है, और बुलिशस थोड़ा कमती है। लेकिन ये लेवल जो है इधर 27,828,000 का लेवल जो है बहुत इंपोर्ट होने वाला है ये हफ्ते के लिए। तो 29,000 का लेवल जो है नहीं टूटने वाला शायद, वही लग रहा है क्योंकि पुट अच्छा सा बिल्डअप हुआ है 29,000 पुट में, उन लोग 80 रुपये में मिल रहा है अभी, शायद वो थोड़ा ट्रैक में रख सकते हैं। 29,000 पुट को 80 रुपये में मिल रहा है, शायद थर्सडे में थोड़ा अच्छा गिरावट आए तो आपको अच्छा सा जैकपॉट भी हो सकता है ये 29,000 पुट, ठीक है। लेकिन वो ऐसा मत खरीदना, बट एटलीस्ट क्लाउड के नीचे जाना मांगते हैं। आप जब बैंक निफ्टी जो है एक क्लाउड के नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, आप उस टाइम लेना पड़ेगा, वो भी 200 स्ट्राइक प्राइस का नीचे लेना पड़ेगा मैक्सिमम। वो बहुत नीचे लिए तो वो पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि वो खींच लेता है, प्रीमियम तो खा लेता है एक्चुअली, ठीक है। वो संभाल के लीजिए, अभी बुल अभी आप ट्रेडर है, बुलिश बेरिश दोनों होना मांगता है मार्केट में, रेंज बोर्ड हो सकता है, ठीक है। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।